हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UBDL सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम सबसे पहले बता दें, हम पवन सीरीज के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है और आज पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि सूफी संप्रदाय क्या है, तो हमने जाना था कि इसमें मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगला जो आपका प्रश्न था कि सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। अगला जो प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था, तो सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था, तो मुस्लिम संप्रदाय का अंश था। अगला जो प्रश्न है कि सूफी संतों का जीवन कैसा था, तो सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। अगला जो प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन क्या है, तो भक्ति आंदोलन की जो परिभाषा हो जाती है कि भक्ति की धारा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति संतों का मूल आधार क्या था, तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ याद कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए, तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में रामानुज, निम्बार्क आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1347 ईस्वी में, और किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। अगला जो प्रश्न है कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया, तो बहमनी राज्य में कुल 14 शासकों ने राज्य किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया, तो बहमनी राज्य में एंथेने शियम निकेतन, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, आप याद कर सकते हो, मात्र केवल याद करना निकेतन। यानी बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया, तो याद कर लीजिएगा निकेतन या एंथेने शियम निकेतन। अगला जो प्रश्न है कि बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ, तो बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने राज्यों का उदय हुआ, तो 5, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा। अगला जो प्रश्न है कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा थी। आई थिंक हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन देखे थे, चलिए कोई नहीं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था, तो विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था, तो विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। अगला जो प्रश्न है कि राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित है, तो राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य जो विभाजित है वो 6 प्रांतों में विभाजित है। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है, तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रवर्ष क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रवर्ष क्या है, कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, चंद्रवर्ष क्या है? तो कुल 12 चंद्रमासों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? चंद्रवर्ष कहलाता है। देखिए अगला जो प्रश्न है कि चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो 24 घंटे में 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे ही हम चंद्र दिवस कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी सिंपल अगर कह रहा है यहाँ पे 24 घंटे 50 मिनट का जब वह समय जिस दौरान, यानी जिस समय चंद्रमा की सीध में पृथ्वी, ठीक, चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे हम चंद्र दिवस कहते हैं या फिर कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला जो प्रश्न है कि एपोजी क्या है? तो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो एपोजी क्या होता है, तो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से क्या होता है? सर्वाधिक दूरस्थ होती है, इस अवस्था को ही एपोजी कहा जाता है। यानी चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, इसे ही, इस अवस्था को ही एपोजी कहा जाता है। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, तो उसे एक छाया बनती है जिसे ग्रहण कहते हैं, जिससे आपको पता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए अगला जो प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में अवस्थित होती है, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला जो है कि चंद्र ग्रहण घटना सदैव कब होती है? तो फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण जैसे कि हमने ट्रिक के माध्यम से भी देखा था, ठीक है, कि जो सूर्य ग्रहण लगता है वो अमावस्या, जो सूर्य है वो अपनी मम्मा को हमेशा अम्मा करके बुलाते हैं, तो इस तरीके से हमने रिलेट करके देखा था। तो चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा तिथि को ही होती है। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाती है, पहले क्या था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है, और यह अमावस्या को यह घटना होती है। अगला आपका प्रश्न है कि डायमंड रिंग क्या है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, इसे डायमंड रिंग कहते हैं। ठीक है, आपने देखा भी था कुछ दिन पहले लगा था डायमंड रिंग, आपने देखा भी था। तो यही पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है और आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है, समझाइए। तो जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो इसी कारण सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो जब पूरी तरह से ढक लेता है, तो यह जो स्थिति होती है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। वो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी का धरातलीय भाग अस्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। अगला जो आपका प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है। समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए भाग वायुमंडल कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आप सभी को शायद याद भी होगा वायुमंडल क्या होता है। समस्त स्थलीय व जलीय भाग का जो एक आवरण होता है या जो एक आवरण के रूप में घेरे हुए भाग जो होता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। तो परिमंडल स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल है। ये क्या है? परिमंडल, यानी पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल क्या क्या है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं वह जैवमंडल कहलाता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जैवमंडल की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। 7 महाद्वीपों के नाम एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। आप सभी को ये बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगला जो प्रश्न है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि भूपर्पटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूपर्पटी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंटल क्या है? तो भूपर्पटी, जैसे कि हमने जाना कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। तो मैंटल क्या है? तो भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। अब यहाँ पे भूपर्पटी के नीचे अवस्थित, ठीक है, परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है उसे ही हम मैंटल कहते हैं। तो सिंपल आप याद कर सकते हो, जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं और भूपर्पटी के नीचे अवस्थित या स्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है उसे हम मैंटल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखो। तो यह पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है जो कि निकल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है और इस परत के 2 भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखिए। तो यह जो पृथ्वी होता है ये सबसे भीतरी परत होता है, ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत होता है जो कि निकल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है और इस परत के भी 2 भाग हैं, एक तो होता है बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। तो ये आप सभी को महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो याद कर लेने हो। कोर क्या होता है? तो यह पृथ्वी का क्या होता है, भीतरी परत होता है जिसे हम कोर कहते हैं, जो कि किससे बना होता है, तो निकल तथा लोहे के खनिज तत्वों से निर्मित है और इस परत के भी 2 भाग हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। अगला जो प्रश्न है सेल क्या है, सेल की परिभाषा क्या है? तो वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी भूपर्पटी, जस्ट अभी हमने जाना ना भूपर्पटी क्या होता है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। मैंटल क्या होता है? तो भूपर्पटी के जो नीचे का भाग होता है, जो नीचे स्थित होता है, जो कि 2900 किलोमीटर गहराई पर जो विस्तृत है उसको हम मैंटल कहते हैं। हमने कोर जाना, कोर क्या होता है, तो जो पृथ्वी की भीतरी परत होती है उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है, जो कि निकल तथा लोहे की खनिज तत्वों से बना होता है, निर्मित है, जो कि इसके भी 2 टाइप होते हैं, है, जो कि एक बाहर कोर होता है और एक आंतरिक कोर। उसी प्रकार सैल क्या है, तो देखिए ये सभी पदार्थ जिनसे भू परपटी का निर्माण यानी जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है, यानी ये सभी पदार्थ जिनसे भू परपटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़े की भांति नरम हो या मुलायम हो, उसे ही हम सैल कहलाते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो भू परपटी का निर्माण करते हैं वो चाहे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका या रोड़े की भांति मुलायम हो, उसको ही हम सैल कहते हैं या फिर कहलाते हैं। बहुत आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है कि चट्टानों के कितने भेद हैं, तो चट्टानों के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। चट्टानों के कितने भेद हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अगला जो प्रश्न है कि रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। अगला जो प्रश्न है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतु और पेड़ पौधों के मानव के जमाव से निर्मित हो। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ, बलुआ पत्थर तथा खाड़िया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपरपटी, मैंटल तथा कोर होती है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया भूपरपटी क्या होता है, मैंटल क्या होता है, कोर क्या होता है ना। मैग्मा क्या है, तो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। तो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं, धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। जस्ट अभी इसके ऊपर हमने जाना मैग्मा क्या होता है, तो धरातल के अंदर, ठीक है, धरातल के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। और धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है उसे हम लावा कहते हैं। यानी जब अंदर होता है, यानी जो वो तरल पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब धरातल के ऊपर वो फैल जाता है तब उसे हम लावा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प गैसें, लावा क्या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह, यहाँ पर रहेगा लावा का चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि क्रेटर किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त शांत ज्वालामुखी। अगला जो प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो माउंट इस्ट्रॉम्बली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, माउंट इस्ट्रॉम्बोली को। काल्डेरा क्या है, तो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कुड़ाहा, यानी विस्तृत क्रेटर का आकार ही काल्डेरा है। लास्ट आज का प्रश्न है ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाले पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप अपना अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।